और इस वक्त मैं महफिल रेस्टोरेंट में हूँ जो कि मिर्ज़ा गालिब स्ट्रीट में है और इसकी ओपनिंग होने वाली है। और यहाँ पे आज फूड टेस्टिंग का सेशन चल रहा है वन बाय वन। ऑलरेडी चाइनीज सेशन हो चुका है और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन और मुगलई का सेशन चल रहा है। यहाँ पे डिफरेंट वराइटीज़ के फूड जो है आपको देखने को मिलेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे अलग अलग वराइटीज़ है फूड के, बिरयानीज़ है और नान है, सैलड भी है, चिकन के डिफरेंट आइटम्स है। और यहाँ की जो स्पेशलिटी के बारे में आपको बता दूँ कि चिकन बिरयानी भी हमने खाया है, लेकिन यहाँ पे जो स्पेशलिटी है वो है फ़िश बिरयानी। यहाँ पे फ़िश बिरयानी भी मेन्यू पे है और ये स्पेशलिटी है यहाँ की। डिफरेंट वैरायटीज़ की जो फूड है वो सामने में डिस्प्ले पे है, आप देख सकते हैं यहाँ। रेस्टोरेंट हमारा साढ़ू भाई का था, महफिल नाम था वो, और ये काफ़ी दिनों से स्ट्राइक चल रहा था। और इत्तेफाक ये है कि हम लोग दोनों एक साथ ये रेस्टोरेंट ओपनिंग करने के लिए, फिर ही ओपनिंग करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वो 6 फेब को वो एक्सपायर कर गए, सडनली गाड़ी स्टॉप किए। तो खैर एनीवे, अब अल्लाह उनको जन्नत बख्शे। और बहुत उनका भी ख्वाहिश था, 18 साल नियर अबाउट स्ट्राइक था ये रेस्टोरेंट, और इसको लेके काफ़ी वो टेंस भी थे। तो एनीवे अब वो चले गए और हम लोग सोचे हुए थे फेब में हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट उनका जाने की वजह से कोई कारण हम लोग पीछे कर गए। तो एनीवे अब हम लोग इंशाल्लाह सोच रहे हैं इसको जल्द से जल्द ओपनिंग करें। तो ओपनिंग डेट अभी, इंडस्ट्री का कितना साल का आपका एक्सपीरियंस है? ये हमारा मोर और लेस 9 साल का एक्सपीरियंस रहा मिडिल ईस्ट का। जी हाँ, तो 1983 से हमने स्टार्ट किया और 1991 में हमने कम्प्लीट किया। उसके बाद हम इंडिया आ गए, यहाँ सेटल हो गए और फिर दूसरा बिजनेस में हम इन्वॉल्वमेंट थे, बट ये रेस्टोरेंट का वापस फिर हम बैक किए। कैसे जहन में आया कि आपको रेस्टोरेंट कहीं नहीं? ये हमारा साढ़ू भाई भी, वो भी होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। HHI में वो अपना कैटरिंग कॉलेज कंप्लीट करके HHI में कोर्स भी किए थे, तो उनका भी एक होटल का एक्सपीरियंस था। और वो हमको बहुत रिक्वेस्ट किए कि आपका भी एक होटल का एक्सपीरियंस है, तो हम लोग दोनों एक साथ ये जॉइंटली इसको ओपनिंग करेंगे। तो एनीवे, तो हम उस हिसाब से उनके साथ आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा किस्मत ख़राब है कि वो ओपनिंग से पहले वो चल बसे। तो अभी मिस्टर ज़ुबैर, ये उनका बेटा है, ठीक है, अभी इनके साथ हम ये रेस्टोरेंट को ओपनिंग करने जा रहे हैं। और आप लोगों को अभी पूरा सहयोग चाहिए और इंशाल्लाह आप लोग दुआ कीजिए कि ये रेस्टोरेंट हम जिस मकसद से, जिस ख्वाहिश से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये आप लोगों का सहयोग रहा तो इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ कि अच्छे से चले रेस्टोरेंट, और पापा का जो सपना था वही पूरा हो जाए, और ऑनलाइन में भी ध्यान दिया जाएगा क्योंकि बेसिकली ऑनलाइन का भी बहुत ऑर्डर आता है, स्विगी जोमैटो उसमें देखा जाएगा। अभी कंपटीशन का जमाना है, इसके बारे में क्या सोचा है? हम हो सकेगा तो अपने तरीके से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, बाकी वो कस्टमर के ऊपर है वो कैसा रिस्पांस करते हैं, उनको कितना पसंद आता है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू वैराइटीज हम लोग यही कोशिश की, देखिए लोगों को अभी बहुत सारा मॉडिफाई खाना हो गया है, ओरिएंटल डिशेज अभी चल रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो गेस्ट है अभी भी मिस कर रहे हैं ऑथेंटिक फूड जो है हम लोग का, पुराना चाइनीज जो होता है, तो उनके लिए उन लोगों को बहुत फार जाना पड़ता है, जैसा कि आपका टेंगरा हुआ वहाँ जाना पड़ता है। अभी हम लोग अच्छे इसमें हैं तो हम लोग यही चाहते हैं कि मेरा गेस्ट फिर से वापस आए, उनको एक ओरिजिनल चाइनीज जो होता है ऑथेंटिक फूड वो हम लोग उनको प्रोवाइड करें। उनके बाद अब गेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है उनको क्या खाना चाहिए, वो लोग बोलते हैं नहीं मेरे को कुछ नया चाहिए, तो हम लोग फिर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, उसमें वर्कआउट करेंगे कि हम बेस्ट से बेस्ट उनको दे पाएँ। मुगलई फूड है, इसमें क्या है स्पेशल? और मैंने अपना स्पेशल 2 डिश दिया है, एक फिश बिरयानी दिया है मैंने और मटन स्मोक मैंने दिया है, और इंशाल्लाह आगे हर हफ्ते में एक ना एक नया नया डिश मैं देता जाऊंगा। और फूड के जो टेस्ट है ये बाकी सारे मुकाबले क्या किस तरीके से अलग है? इसके अंदर में आप जितने किस्म के खाने खाएंगे वो अलग अलग मज़ा आपको लगेगा, और तमाम डिश से हट करके इसका टेस्ट होता है, जैसे रिजाला है और आपको चिकन का रोस्ट ले लीजिए और ग्रिल चाँप ले लीजिए, फुल मटन का ग्रिल किया हुआ रोस्ट होता है वो ले लीजिए आप,
और टुंडा कबाब है, शाही कबाब है, ये सब आप ले लें। इंडियन में तो आज डिस्प्ले डिशेस जो है वो वेज में आपका पनीर बटर मसाला है एंड दाल मखानी वेरी स्पेशल, कि दाल मखानी और सब जगह से अलग एक हट के ये दाल मखानी है, जो खाएंगे एक बार तो डेफिनेटली वो सेकंड टाइम कोशिश करेंगे आने के लिए। और चिकन भरता है और एक चिकन समथिंग डिफरेंट, वो महाराष्ट्र में वो बहुत ज़्यादा चलता है आपका चिकन कुलचन, तो ये भी एक डिफरेंट डिशेस है। बाकी आपका बटर नान है और आपका मसाला ये है आपका लच्छा पराठा है एंड आपका मसाला कुछ ठीक है। बाकी तो सब आम इंसान को जायका लेना हो तो आपके हिसाब से किस डिश को जायका लेना चाहिए? देखिए, एक तो हमारा आज स्पेशल जो है वो फिश बिरयानी है, ये एकदम डिफरेंट है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम लोग फेमस करने के लिए, बिकॉज इसलिए कि यहाँ मटन बिरयानी एंड चिकन बिरयानी वेरी कॉमन है, ठीक है, तो ये हमारा स्पेशल रहेगा। इसके साथ साथ हमारा मटन लेग पीस रोसेस ये सब जाएगा फ्यूचर में इंशाल्लाह। तो एंड स्मोक मटन जो है ये भी आज हमारा स्पेशल डिशेस है, तो महफिल स्पेशल हर वीक में एक दो हमारा रहेगा, तो ये सब महफिल स्पेशल में आएगा। जिस तरह देखा गया कि इंडियन का है आपका, चाइनीज का भी है, तो इसी तरह हर वीक में इस तरह का आता रहेगा? डेफिनेटली एवरी वीक हमारा चाइनीज में एक दो एंड इंडियन एंड तंदूरी में हर एक डिफरेंट डिश एवरी वीक इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे।